आज सबको पता चल जाएगा कि आप अपने व्हाट्सएप पे किससे क्या चैट करते हो, क्या लिखते हो और क्या फोटो और वीडियो सेंड करते हो। तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में व्हाट्सएप का एक ऐसा हिडन सीक्रेट बताऊंगा जिसके द्वारा जो है आप किसी के भी चैट को तुरंत ही देख सकते हो कि यह अपने जीएफ से क्या चैट करता है और यह किससे किससे बातें करता है और क्या फोटो सेंड करता है, क्या वीडियो सेंड करता है और चैट में क्या क्या गंदी चीजें लिखता है। सारा कुछ चैट जो है आप अपने सामने पढ़ भी सकते हो। नहीं, मैं नहीं मानता भी सकते हो कि यह किस दिन का चैट है और किस टाइमिंग का चैट है और कितना डिटेल जो है आप निकाल सकते हो। ये तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप पता कर सकते हो कि आपका भाई या बहन जो है सबसे ज्यादा किससे चैट करते हैं। लेकिन उसमें मैंने ये एक्सप्लेन नहीं किया था कि क्या चैट करते हैं, क्या वीडियो सेंड करते हैं, क्या फोटो सेंड करते हैं। लेकिन आज जो मैंने आपके लिए वीडियो ला दिया है जिसकी देरी थी, यही मैं आज की इस वीडियो में आपका क्लियर कर दूंगा। क्या और भाई, पता करने का एक नहीं बल्कि दो दो तरीका बताने वाला हूँ। आप लोग जानना चाहते हो इससे, अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं और मिलती भी रहेंगी। तो चलिए मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर आपका बिना टाइम का वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए हमारे मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हो कि आपके भाई और बहन जो है व्हाट्सएप पे किससे चैट करते हैं, क्या लिखते हैं और क्या फोटो और वीडियो सेंड करते हैं, सारा कुछ डिटेल बताऊंगा। एक तरीका नहीं बल्कि दो दो तरीके बताऊंगा, जो आपको सही लगेगा उसको आप अप्लाई कर लीजिएगा। वीडियोज को पूरा वॉच करिएगा, सारा कुछ प्रोसेस ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तो आप अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ। तो जैसे ही आप अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लोगे, अब यहाँ पर आप जो है अपने जिसका भी चैट निकालना चाहते हो, जैसे कि आप अपने किसी का भी जितका भी आप निकालना चाहते हो कि यह इनके अकाउंट पे जाकर क्या बातें करता है, क्या फोटो वीडियो सेंड करता है। जैसे कि मेरा एक दोस्त यहां पर है सत्यम, यहां पर लिखा हुआ है सीसीएस। तो अब मैं इसका क्या करता हूं कि पूरा डिटेल निकालना चाहता हूं कि मैं इससे क्या चैट किया हूं और क्या फोटो और वीडियो सेंड किया हूं, सारा कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूं। जैसे कि मान लो इनके पास तो यहां पर देखिए सारी यहां पर चैट वगैरह तो दिखाई जा रही है, लेकिन कभी कभी होता है कि जो हिडन, जैसे कि कोई अपने जीएफ से बात करता है या कोई गलती किया होता है तो वह अपने चैट को जो होता है डिलीट कर देता है हमेशा के लिए। लेकिन उस सिचुएशन में आप कैसे पता कर सकते हो, तो सारा कुछ प्रोसेस आगे वीडियोस में बताऊंगा। तो जैसे मेरा एक दोस्त है, तो अब मैं इसका पता करना चाहता हूं कि मैं इससे क्या चैट किया हूं, क्या फोटो वीडियो सेंड किया हूं। तो इसके अकाउंट पे चले जाना है, जाने के बाद यहां पर साइड में आपको एक थ्री डॉट मिलेगा, थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे, अब यहां पर एक ऑप्शन आपको दिया जाता है मोर वाला ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है। और फिर एक ऑप्शन आपको दिया जाता है एक्सपोर्ट, यहां पर चैट का ऑप्शन दिया जाता है, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे, अब आप चैट को जो है कहां पर लेना चाहते हो, जैसे कि जिस भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे लेना चाहते हो वहां नहीं ले सकते हो भाई, मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपसे कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको व्हाट्सएप पे चैट को अपने लेकर जाकर दिखाता हूं कि जिसके भी अपने भाई, जैसे कि आप अपने घर में बड़े हो तो आप अपने भाई और बहन का चैट निकाल के अब अपने पापा के यहाँ सेंड करना चाहते हो, तो आपका भी पापा का जो है अलग से व्हाट्सएप अकाउंट है, तो फिर से अपने व्हाट्सएप पे चले जाना है। अब जिसको भी सेंड करना है उनके अकाउंट को यहाँ पर ले लेना है, बस लेने के बाद अब यहाँ पर आपको तुरंत ही क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे, अब व्हाट्सएप चैट विद सत्यम यहाँ पर देखिए लिख कर आ गया कि जिसका भी मैं यहाँ पर चैट इनको सेंड कर रहा हूँ उसका नाम पूरे अच्छे तरीके से लिख के आ गया कि व्हाट्सएप चैट विद सत्यम CCSTXT यहाँ पर लिख के आ गया। और कितने MB का है यहाँ पर दे दिया, 1.7 KB का है, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा चैट नहीं किया हूँ। अब ये करने के बाद यदि आप इसे कुछ नाम भी देना चाहते हो तो मैं इसे IP नाम दे देता हूँ। तो अब यहाँ पर आपको सेंड कर देना है, जैसे ही सेंड करोगे अब मैं आपको अभी दिखा देता हूँ जैसे सेंड हो जाता है।
सो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मैं सेंड कर रहा हूँ, लेकिन पहले भी मैं देख सकता हूँ आप लोगों को प्रूफ दिखाने के लिए। तो देखिए आप लोग देख सकते हो ये सेंड भी हो चुका है, अभी सेंड हो गया आपके सामने ही। तो अब जैसे कि यदि आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे, यदि आप क्रोम पे डिटेल देखना चाहते हो तो देख सकते, यदि HTML पे देखना चाहते हो तो देख सकते हो, या मीट टेक्स्ट व्यूज पे देखना चाहते हो तो देख सकते हो। तो यहाँ पर यदि आप मीट टेक्स्ट व्यूज पे देखना चाहते हो तो देख भी सकते हो। तो चलिए मैं इस पे ही देख लेता हूँ। तो जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तुरंत ये लोडिंग लेता है। अब लोडिंग जैसे ही ले रहा है, अब आपको देखिए यहां पर पूरा डिटेल में दिया गया है, चैट आप पढ़ सकते हो। यहां पर देखिए आपको टाइमिंग यहां पर दिया है, डेट आपको दिया है 7/7/2023 और टाइमिंग दिया है 9:51 पर। और मैंने यहां पर देखिए आपको दे दिया गया है कि ये सारा देखिए आपको कुछ लिख के दिया है। अब यहां से नीचे से स्टार्ट आप देख सकते हो कि 7/7/2023 को यहां पर 9:51 पे मैंने जो है सत्यम सीसीएस को गुड नाइट का मैसेज किया था, आप लोग देख सकते हो। फिर आप दूसरे दिन देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने 7/2023/9:51 पर गुड नाइट भाई का ऑप्शन दिया था, जैसे कि मेरा दोस्त जो है मुझे गुड नाइट कहा था, फिर मैंने जो है यहाँ पर गुड नाइट का उसे रिप्लाई दिया हुआ था। अब सत्यम सीसीएस मेरे से क्या पूछते हैं 8/7/2023 को 6:45 पे सत्यम पूछते हैं कि कल स्कूल जाना है कि नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मैं क्या रिप्लाई देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो कि अरे कल नहीं मंडे है को चलते हैं न, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है। तो जो भी आपको मैसेज किया रहेगा उसका नाम आपको दे दिया जाएगा ऊपर, और आप क्या रिप्लाई देते हो उसके हिसाब से आपका नाम दे दिया जाएगा। तो आप देख सकते हो मैंने रिप्लाई दिया, मेरा दोस्त यहाँ पर मेरे को मैसेज किया है, यहाँ पर मेरा दोस्त किया, मैं रिप्लाई दिया हूँ, मेरा दोस्त यहाँ पर मैं कहाँ हूँ, फिर मैं यहाँ पर मैं ही कहा हूँ, फिर मैं ही कहा हूँ। यहाँ पर आप तारीख देख सकते हो, टाइमिंग देख सकते हो, सारा कुछ यहाँ से देख सकते हो। तो भाई कुछ इस तरीके से जो है सबसे पहला प्रोसेस था, आप किसी के भी व्हाट्सअप चैट को बिल्कुल फ्री में देख सकते हो, निकाल भी सकते हो बिना OTP वगैरह सेंड किए, तो कुछ इस तरीके से निकाल सकते हो। तो पहला प्रोसेस था। तो दोस्तों अब आप पता करना चाहते हो कि कैसे फोटो और वीडियोस को पता करें, तो सीधे वही वाला ऑप्शन आपको ले लेना है, एक्सपोर्ट चैट पे करना है। अब यहाँ पर आपको यही सबसे मेन होता है, एक विदाउट मीडिया दिया, एक इंक्लूजिंग मीडिया दिया, इसका मतलब है कि आप जैसे कि मीडिया का मतलब होता है कि फोटो और वीडियो के बिना लेना चाहते हो, बस चैट देखना चाहते हो तो विदाउट मीडिया पे कर सकते हो, या इंक्लूडिंग मीडिया करना चाहते हो आप वो भी लेना चाहते हो। तो चलिए मैं इंक्लूडिंग मीडिया पे कर देता हूँ, जैसे ही करता हूँ फिर व्हाट्सएप पे चले जाना, फिर यहाँ पर मैं सेंड कर देता हूं। तो अब आप लोग देखोगे मैंने जितना भी इससे फोटो सेंड किया यहां पर नीचे साइड में सारा लिखकर आ चुका है आपके सामने, चैट हिस्ट्री एंड अटेंड व्हाट व्हाट्सएप चैट विथ अभिषेक भाई फाइल टू दिस ईमेल। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने जितना भी इससे चैट वगैरह किया था वो तो पहले मैंने दिखा दिया, लेकिन अब जो मैंने इससे फोटो वगैरह सब कुछ सेंड किया था आपके सामने सारा कुछ आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप जो है चैट भी देख सकते हो और फोटो और वीडियोस भी देख सकते हो। ये तो सबसे पहला तरीका था भाई। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका को भी आप ध्यान से देखते रहिएगा। अब आप मैं जैसे कि अभिषेक ही भाई का अकाउंट ले लेता हूँ। अब यहाँ पर साइड में आपको 3 डॉट पे क्लिक करना होगा, तुरंत यहाँ पर मोर पे क्लिक करना होगा, एक्सपोर्ट चैट पे क्लिक करना होगा, जैसे ही क्लिक करोगे फिर इंक्लूज मीडिया पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही क्लिक करोगे अब आपको यदि यहाँ पर ध्यान देना है कि आप पहले क्या करते थे, व्हाट्सएप पे लेते थे, लेकिन अब यदि आप अपनी मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करना चाहते हो तो सीधे अब आप जीमेल पे ले चले जाना। जाने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पर फिल कर देना है, जिस भी ईमेल आईडी में आप इस चैट को लेना चाहते हो आप अपनी ईमेल आईडी कोई भी लिख लेना। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक ईमेल आईडी अपना सर्च कर देता हूँ, आप लोग भी जल्दी से जल्दी यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा कोई भी ईमेल आईडी जिसमें आप लेना चाहते हो। यहाँ पर मैं अपनी ईमेल आईडी को सर्च कर देता हूँ आपके सामने। तो अब क्या करता हूँ, मेरी ईमेल आईडी आ चुकी है। अब यहाँ पर आपको साइड में देखिए एक दिया होता है सेव का ऑप्शन, अब सेव वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे अब आपके सामने देखिए मेरे सामने एक मैसेज भी आ चुका है। जैसे ही मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मेरे पास मेल भी आ चुका है, आप लोग खुद ही देख सकते हो। ये देखिए लोडिंग ले रहा है, जैसे ही लोडिंग हो जाता है फिर उसके बाद ओपन करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि वीडियोज़ को ध्यान से देखना, जो आपको पसंद आएगा उसी तरीके को करना।
अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पर देख सकते हो मेल आ चुका है, मेल डिलीवरी सबमिट सिस्टम यहाँ पर आ चुका है सब सिस्टम। तो अब जैसे ही मैं मेल पे क्लिक करता हूँ, अब आपके सामने जो है देखिए ओपन होकर आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो सारा कुछ, देखिए यहाँ पर आपके सामने ओपन हो चुके आ चुका है कि ये देखिए फॉरगेट मैसेज। जैसे ही मैं ईमेल आईडी पर क्लिक करता हूँ तुरंत ये देखिए फिर से ओपन हो जाता है। लेकिन अब देखिए आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान यही देना है, मेरे ऊपर देखिए एक आपके नाम का लिखकर ऑप्शन आ जाएगा। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे सारा जो है जितनी भी आपने इससे जो है चैट या वीडियो सेंड किए रहोगे लाइन वाइज आपके सामने आ जाएगा। आप अपने हिसाब से यदि डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर साइड में क्लिक करके आप अपनी सभी फोटो को जो है डाउनलोड कर सकते हो। और भाई यहाँ पर आप यदि जो है टेक्स्ट वगैरह भी देखना चाहते हो तो इस पे क्लिक करके आपका यहाँ पर टेक्स्ट देखिए डाउनलोड होगा। अब इस पे जैसे ही मैं मी टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तुरंत ही आप देख सकते हो आपके सामने सारी चैट देखिए ओपन होकर आ चुकी है। तो कुछ इस तरीके से यह दूसरा तरीका था जो मैंने आपको बताया कि इसमें देखिए डेट दी हुई है, टाइमिंग दी हुई है, और जो भी मैसेज करेगा और जो भी आपकी रिप्लाई देगा सारा कुछ यहाँ पर नाम वगैरह दे दिया जाएगा। तो भाई वीडियोज बड़ी है लेकिन आपको जो है पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो साइड में डाउनलोड का ऑप्शन दिया है, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको यदि कोई डाउट बचे हो तो कमेंट जरूर से कर देना, मैं उसकी भी रिप्लाई आपको जरूर से दे दूंगा। यदि आप वीडियोस पूरा अच्छे से वॉच किए होगे तो आप जो है आज अपने भाई या बहन को पकड़ सकते हो, कोई भी गलत काम कर रहा है तुरंत ही आप अपनी लाइव प्रूफ देख सकते हो और अपने माता पिता को भी दिखा सकते हो। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर से कर देना, रिप्लाई दे दूंगा मैं। जो मैंने आपको तरीका बताया या आपको कैसा लगा और कोई भी डाउट बचे तो कमेंट जरूर से कर देना, मैं आपकी रिप्लाई दे दूंगा तुरंत ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियोस पूरा वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंदे मातरम, भारत माता की जय।